गंदम खरीदारी पर हुकूमत और किसानों में डेडलॉक बरकरार। किसानों का आज अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज का ऐलान। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक होंगे। खोखर ग्रुप के सवा किसान तहत के तमाम ग्रुप मिलकर जद्दोजहद करने पर मुत्तफिक। जमात इस्लामी का हुकूमत को गंदम की खरीदारी के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 4 रोज में किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। वजीर आजम कहते हैं गंदम खरीदो, जबकि भतीजी वजीर आला कहती है कि गंदम नहीं खरीदेंगे। हुकूमत किसानों को मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर गंदम खरीदे। गंदम इम्पोर्ट किसने की, जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। किसानों के मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा माली साल में वजीर आला पंजाब के तरजीही मनसूबे के लिए 245 अरब रुपए मुख्तस होंगे। एवान वजीर आला ने तफसीलात पीएनडी बोर्ड को अरसाल कर दी। हेल्थ सेक्टर में 80, रोड सेक्टर में 139 अरब के मनसूबे शामिल। आईटी और गवर्नेंस के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सुतरा पंजाब के 10 डिविजनल सॉलिड वेस्ट कंपनीज फाल कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने 200 अरब रुपए सफाई निजाम के लिए मुख्तस कर दिए। 10 डिविजनल सॉलिड वेस्ट कंपनीज का लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मुआहिदा। 10 डिविजनल सॉलिड वेस्ट कंपनीज का ऑपरेशनल विंग आउटसोर्स किया जाएगा।